अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, कैसे हैं आप? सोरेन जी ने, हेमंत सोरेन जी ने आपको बताया कि पूरे हिंदुस्तान में तेजी से महंगाई बढ़ रही है। ये हर व्यक्ति को मालूम है, शायद प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम, वो दूसरी दुनिया में रहते हैं, मगर उनको छोड़कर, उनको छोड़कर पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब ये महंगाई बढ़ क्यों रही? सबसे जरूरी सवाल ये है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है? किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, दुकानदार छोटा बिजनेस वाला दुखी है, बेरोजगार युवा दुखी है, अदानी खुश है, अदानी खुश है। 15-20 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति नाम जानते हो, बोलने की जरूरत नहीं, उनको दिन भर 24 घंटा नरेंद्र मोदी पैसा पकड़ाता है। किसका पैसा, किसका पैसा देता है? झारखंड की जनता का पैसा, गरीबों का पैसा, किसानों का पैसा, मजदूरों का पैसा। सोरेन जी ने जीएसटी की बात की। जीएसटी से पहले आप याद रखिए, 8 बजे रात को टीवी पे आए थे नरेंद्र मोदी, कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, 500 रुपए का नोट रद्दी करना है। और आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया था। यहां एक व्यक्ति है जो लाइन में नहीं खड़ा था, कोई है यहां पे? देखिए बिल्कुल शांति, एक व्यक्ति नहीं था जो नहीं खड़ा था। आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपके जेब में से पैसा निकाला। ये जो माताएं बहनें आई हैं, इनके घर से पैसा निकाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां गया वो पैसा? लाखों करोड़ रुपए गरीबों के घर से, उनके जेब से नरेंद्र मोदी ने छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दिया। और आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई। काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो लाइन में आपने किसी बड़े उद्योगपति को खड़ा होते हुए देखा? कोई था एक उनमें से? नहीं, एक भी नहीं था। सब के सब अपनी एसी गाड़ी में चक्कर काट रहे थे, अपना काला धन सफेद कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने उनको मौका दिया। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, 12 बजे रात को, 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स का मतलब गरीबों से पैसा छीनो और उन्हीं 15 उद्योगपतियों के हवाले करो। यह है मोदी का काम। 24 घंटा वो यही करते हैं। क्या फायदा मिलता है मैं बताता हूं। आप टीवी देखते हो, देखते हो ना? मुझे एक बात बताओ, टीवी पे नरेंद्र मोदी कितने घंटे आते हैं? 24 घंटा। हेमंत सोरेन कितने घंटे आते हैं? नहीं दिखाई देते। मैं कितना दिखता हूं? नहीं दिखूंगा। नरेंद्र मोदी 24 घंटे दिखेगा। अच्छा भैया, टीवी किसका है? टीवी किसका है? टीवी उन्हीं उद्योगपतियों का है जिसको नरेंद्र मोदी दिन भर पैसा देता है। हमारा चेहरा टीवी पे क्यों दिखेगा? हम उनके लिए काम थोड़ी करते हैं।
हम तो किसानों का काम करते हैं, मजदूरों का काम करते हैं, गरीबों का काम करते हैं। हमारा चेहरा टीवी पे नहीं दिखने वाला भाइयों बहनों, उधर तो बस नरेंद्र मोदी का 24 घंटे दिखेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्हीं 10-15 लोगों के लिए काम करता है। हम जमीन अधिकरण बिल लाए, पार्लियामेंट ने पास किया, नरेंद्र मोदी ने विपक्ष विरोध किया उसका। जमीन अधिकरण बिल क्या था मैं आपको बताता हूं। जमीन अधिकरण बिल से पहले किसी भी गरीब व्यक्ति की जमीन उससे एक मिनट में छीनी जा सकती थी, कोई कानून नहीं था। अगर चीफ मिनिस्टर चाहता था, कोई ब्यूरोक्रेट चाहता था, उद्योगपति चाहता था, तो 2 मिनट में किसान की, आदिवासी की, गरीब की जमीन छीन ली जाती। हम जमीन अधिकरण बिल लाए, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो साफ लिखा है, बिना गरीब किसान आदिवासी से पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसान ने, गरीब व्यक्ति ने अपनी जमीन देनी चाहिए तो मार्केट रेट से 4 गुना पैसा पहले उसके बैंक अकाउंट में जाएगा, फिर जमीन दी जाएगी। और आखिरी ऐतिहासिक बात जो पहले कभी नहीं कही गई, अगर जमीन ली गई और 5 साल के अंदर उद्योगपति ने या सरकार ने उस पे काम शुरू नहीं किया तो वही जमीन एक बार फिर किसान के हवाले कर दी जाएगी। यह कानून था, नरेंद्र मोदी जी ने इसका विरोध किया, इसको भंग करने की कोशिश की। चीफ मिनिस्टर्स अपने सब चीफ मिनिस्टर को कहा इसको खत्म करो, इससे तो उद्योगपतियों का, अरबपतियों का नुकसान हो रहा है। हम आए, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, जहां भी हमारी सरकार बनी, हमने कहा कि जमीन अधिकरण बिल लागू होगा। अब जाइए छत्तीसगढ़ जाइए, वहां पे गरीबों से जमीन नहीं छीनी जा सकती, लैंड बैंक ऐसे नहीं बनाया जा सकता जैसे झारखंड में बनता है। और छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने पहले पहली बार टाटा कंपनी से जमीन वापस लेकर किसानों को दी गई, पहली बार। यहां पे आपको धान का क्या रेट मिलता है, क्या रेट मिलता है धान का, है 1700, कितना 1200, ये गलत बोल गया, 1200 मिलता है। आप जानते हो छत्तीसगढ़ में क्या रेट है, 2500 जाके देख लीजिए। अब आप मुझे समझाइए, अगर छत्तीसगढ़ में 2500 मिल सकता है तो यहां 1200 क्यों मिल रहा है? अगर छत्तीसगढ़ में आपकी जमीन की रक्षा की जा सकती है तो यहां आपसे जमीन क्यों छीनी जा रही है? क्योंकि बीजेपी और उनके उद्योगपति मित्रों की सरकार झारखंड में है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कहा, और आप जाइए वहां, जाइए और पूछिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब के किसानों की कर्जा माफी की, हां या ना? जवाब मिल जाएगा। ये सब के सब प्रदेश कहेंगे बिल्कुल हां। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2-3 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। यहां नहीं हुआ, यहां जैसे ही गठबंधन की सरकार बनेगी पहला काम झारखंड के किसानों का कर्जा माफ करने का काम गठबंधन की सरकार करके दिखाएगी। मैं यहां आपसे झूठे झूठे वायदे करने नहीं आया हूं। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है,
मैं यहाँ झूठ बोलने नहीं आया हूँ। मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करूंगा, मगर मैं आपको यहाँ गारंटी करके कह रहा हूँ, झारखंड के किसानों का कर्जा माफ होगा। अब यहाँ बहुत सारे युवा हैं, बेरोजगारी है, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, पूरे देश में, सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में कहेंगे भैया ऐसे हाथ लगा के कहेंगे कुछ नहीं करते हम, कुछ नहीं करते हम। रोजगार कहां गायब हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। रोजगार पैदा कैसे होता है? पहले रोजगार जब पैदा होता है जब हिंदुस्तान के गरीब लोग अपने पैसे से माल खरीदते हैं, जब गरीब व्यक्ति अपने पैसे से शर्ट पैंट मोबाइल फोन जूता टूथब्रश टूथपेस्ट साबुन खरीदता है, जब वो माल खरीदता है फैक्ट्रियों को माल बनाना पड़ता है, जब फैक्ट्रियां माल बनाती हैं उन फैक्ट्रियों में देश के युवाओं को रोजगार मिलता है। सीधी सी बात है ना, साधारण सी बात है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब से, माताओं बहनों के जेब से, किसानों के जेब से नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा पैसा निकाल दिया। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, आपसे पैसा निकाला। शिबू सोरेन जी, सॉरी हेमंत सोरेन जी ने कहा कुछ ही दिन पहले, लाखों करोड़ रुपए 15 उद्योगपतियों का टैक्स माफ किया, तो पैसा आपके जेब से निकालते हैं और अदानी अंबानी इन लोगों के जेब में डालते हैं। आपके जेब में से पैसा निकाल दिया, नहीं सुनिए बात आपको समझनी पड़ेगी, नुकसान आपका हो रहा है। आपके जेब में से पैसा निकाला, जैसे ही आपके जेब में से पैसा निकाला, किसान के जेब में से पैसा निकाला, वैसे ही गरीबों ने माल खरीदना बंद किया, शर्ट पैंट जूता साबुन जो पहले खरीदते थे खरीदना बंद किया। जैसे ही हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने माल खरीदना बंद किया, वैसे ही फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, जैसे ही फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया वैसे ही बेरोजगारी शुरू हो गई। और आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, नरेंद्र मोदी का काम। मैं आपको बता रहा हूं 15 मिनट का काम है, अगर सरकार एक बार फिर अमीर लोग उद्योगपति अरबपति के लोगों को पैसा देना बंद करे और वही पैसा अगर हिंदुस्तान के किसान मजदूर छोटे दुकानदार बेरोजगार युवाओं को देना शुरू कर दे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 15 मिनट में फिर से खड़ी हो जाएगी। मगर नहीं, नरेंद्र मोदी डरा हुआ हिंदुस्तान चाहता है, वो चाहता है कि हिंदुस्तान की जनता कमजोर रहे, बटी रहे। इसी कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, बांटकर एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से। आप जाइए, आपके लोग जाते हैं महाराष्ट्र में, वहां जाके पूछिए बीजेपी के लोग झारखंड के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ क्या बर्ताव करते हैं, जाके पूछिए, पता लग जाए। वहां एक बात कहेंगे, यहां एक बात कहेंगे। मुझे आप बताओ, भ्रष्टाचार की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, आपने बोला चौकीदार, यहां आते हैं कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, तो आप मुझे बताइए आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भ्रष्ट हैं, हां या ना? भ्रष्ट है ना, पूरा झारखंड जानता है ना, तो नरेंद्र मोदी उनके साथ क्यों खड़े? अगर नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के साथ खिलाफ लड़ रहा है तो उनके साथ क्यों खड़ा है?
क्योंकि नरेंद्र मोदी ही भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी स्वयं भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चिन्ह है और नरेंद्र मोदी इन्हीं 15-20 लोगों को आपका पूरा का पूरा धन पकड़ा रहा है। यहां चुनाव होने के बाद गठबंधन की सरकार बनेगी और जो आपका धन है झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड की जनता गरीब है। ये आप मत सोचिए कि झारखंड गरीब प्रदेश है, ना, झारखंड की जनता गरीब है, झारखंड का किसान गरीब है, झारखंड का युवा गरीब है, झारखंड का छोटा दुकानदार गरीब है, मगर झारखंड गरीब नहीं। झारखंड में पैसे की कोई कमी नहीं, बस आपके हाथ ही पड़ रहा है। और गठबंधन की सरकार बनने के एकदम बाद वो पैसा आपके हाथ पड़ना शुरू हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य में, अस्पताल बनाने में, शिक्षा, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी बनाने में, किसानों को सही दाम दिलवाने में, किसानों का कर्जा माफ करवाने में आपका पैसा जाएगा। और जैसे ही आपके हाथ में पैसा आएगा आप माल खरीदना शुरू करोगे, झारखंड की अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ जैसे एकदम खड़ी हो जाएगी, तेजी से प्रदेश आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप सब दूर दूर से आए, हेमंत सोरेन जी, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। और मिलकर एक साथ होकर झारखंड का किसान, झारखंड का मजदूर, झारखंड के छोटे दुकानदार, युवा, माताएं, बहनें, सब एक होकर ये 10-15 उद्योगपतियों की सरकार को हम यहां से हटाएंगे और गरीबों की, कमजोर लोगों की सरकार लाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।